हेलो फ्रेंड, चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें केबीसी ग्लोबल के बारे में। शाम की खबर हिला देगी आपको, अब नहीं रुकेगा 50 से पहले कल से रोज अपर सर्किट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में केबीसी ग्लोबल का एक भी यूनिट है ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, केबीसी ग्लोबल 20.60 रुपए से लगातार गिर रहा था और फिर देखो यहाँ पर 2.15 रुपए आया, 52 वीक लो बनाया और 2.90 रुपए का हाई बनाया, 2.70 रुपए पे क्लोजिंग दिया। अच्छी खासी रैली आई थी, फिर देखो सपाट लोअर सर्किट में लॉक हो गया। अब इसका एक तो 14 तारीख को क्वार्टर रिजल्ट है, यानी कि मंडे को इसका रिजल्ट है। कंपनी 99% है जो क्रेश हो गई है, प्लस डिविडेंड भी देती थी, बोनस भी देती, मतलब डिविडेंड और बोनस से ही मालामाल कर देगी आपको। और अपने देखो इसी सपोर्ट पर है, मतलब ये लेवल तो तोड़ने वाली नहीं, यहाँ से नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा, ध्यान रखना। तो आप फ्रेश एंट्री भी कर सकते हो, एवरेज भी कर सकते हो, क्योंकि गोल्डन मौका है बाय करने का। अब देखो दोस्तों, जितना भी मार्केट में माल आ रहा है ना, पूरा माल है, लोग घर पे लेके जा रहे हैं। और देखो यहाँ पर आपको थोड़ी सी डिटेल और ले लेते हैं इस कंपनी की। देखो वीकनेस कंपनी में 12 है, स्ट्रॉन्ग 1 है, अपॉर्चुनिटी मौका अवसर गोल्डन चांस 5 है, पॉजिटिव 8 है, निगेटिव 15 है। और इसका Q2 का रिजल्ट भी आने वाला है 14 तारीख को, यानी कि मंडे को। दोस्तों इंडिकेटर देख लेते और क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर बेरिस 5 है, बुलिस 11 है, शेयर है, धीरे धीरे बुलिस आ रहा है, सभी इंडिकेटर बाइंग सिंगल दे रखा है। दोस्तों फंडामेंटल चेक करें तो देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं फंडामेंटल की बात, 166 करोड़ की कंपनी है मात्र, और इस पर डेप्ट है 90 करोड़ का, बट केस पड़ा है 80 करोड़ का, थोड़ा सा डेप्ट है, प्लीज नहीं है। प्रमोटर के पास में माल भी है, एसेट है 221 करोड़ का, बुक वैल्यू के पास में स्टॉक मिल रहा है, लायबिलिटीज है 72 करोड़ की। और यहाँ पे देखो सेल्स ग्रोथ इसकी माइनस में वगैरह है, सेल्स सब कुछ इसके माइनस। देखो दोस्तों, कंपनी ऑलरेडी 99% क्रेश हो गई है, नीचे जाने के लिए कोई जगह नहीं है। आपके पास में है तो टाइटली आप होल्ड कर सकते हो, फ्रेश एंट्री भी कर सकते हो। 20 रुपए का शेयर भाई 2 रुपए में मिल रहा है आपको, डिविडेंड भी देता था, बोनस भी देता था, प्लस अपने 52 वीक लो के पास में मिल रहा है। कंपनी पूरी गिर गई है। अब इसका 14 तारीख को क्वार्टर रिजल्ट है, अगर रिजल्ट शानदार आ जाता है ना दोस्तों, यहाँ से अपर सर्किट लगेगा, 52 वीक हाई को तोड़ देगा। तो इस टाइम पर क्या पेनी स्टॉक नहीं चल रहे दोस्तों, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, बस ऐसे ही हो रहा है। तो आप टाइटली होल्ड कर सकते हो, हर गिरावट पर खरीद सकते हो, क्योंकि ऐसा मौका लाइफ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी में देखो कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है भाई। कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, डिविडेंड बारिश देता था, बस 2022 में सभी पेनी स्टॉक गिरी हुई है। तो क्वार्टर रिजल्ट तक वेट करो, रिजल्ट शानदार आ जाता है ना दोस्तों, तो आपको मालामाल रिटर्न दे देगी। देखो इस कंपनी ने कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिया, बट 3 महीने में देखो रिटर्न निकाल के दिया। पूरा माल जितना भी माल आ रहा है लोग घर पर लेके जा रहे हैं। इस कंपनी के देखो बड़े बड़े टारगेट भी दिए गए थे यहाँ पर, देखो 253 का, 120 का, 280 का, 288 का, बड़े बड़े टारगेट निकल के दिए थे इस कंपनी ने। और यहाँ पर प्रमोटर ने माल बेच दिया, प्रमोटर ने देखो होल्डिंग भी बेची है, क्योंकि भाई 20 रुपए का शेयर क्रेश होकर 2 रुपए आ गया, कंपनियां चल नहीं रही है, तो पैसों ऐसे की जूट होती है। पहले डीआईओ एफआई वालों के पास में माल था, एफआई वालों भी अब की बार है माल बेच दिया है, तो आपके पास में है, तो क्वार्टर के आंकड़े देखना जरूरी है दोस्तों, तो आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। थैंक यू।